नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। मैं एचएस यादव, राज्य के प्रमुख चार खबरों के साथ। पहले हेडलाइंस, चेचक से दो दर्जन बच्चे समेत 40 लोग बीमार। सिंगल पोस्ट ईवीएम से होगा पंचायत चुनाव। दरभंगा में तालाब में डूबने से दो बच्चे की मौत। और आम से लेकर खास लोग तक कोरोना की चपेट में। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग के खाते में जिस बीमारी का खात्मा हो चुका है, वह अब सूबे में धीरे धीरे पांव पसारने लगा है। बेतिया के नवलपुर में आधा दर्जन से अधिक बच्चे चिकन पॉक्स के चपेट में आ गए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में करीब 25 लोग चपेट में आ चुके हैं। बेतिया के नवलपुर थाना क्षेत्र के नवलपुर वार्ड नंबर 15 के महादलित बस्ती में आधा दर्जन बच्चे चिकन पॉक्स के चपेट में आ चुके हैं। इससे गाँव में दहशत का माहौल है। बता दें कि यह बीमारी इस गाँव के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। 2009 में इसी गांव के बगल में ढडवा के मुसहरी टोली में 8 बच्चे की मौत चिकन पॉक्स की वजह से हो गई थी। 28 से अधिक बच्चे बीमार की चपेट में आ गए थे। यहां पर अटलांटा से टीम बच्चों को सर्वे करने के लिए आई थी। तो इसके बाद बिहार सरकार ने भी सजग हुई थी और टीम को वहाँ भेजी गई थी। इधर मुजफ्फरपुर के पुढ़नी प्रखंड क्षेत्र के लदोरा गांव के वार्ड 11 के महादलित टोले में चेचक से 25 लोग बीमार हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर दवा खरीद कर सेवन कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। टोले के लोगों ने बताया कि दिन पर दिन पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ लोग देवी प्रकोप समझकर अपने अपने ढंग से परहेज करते हैं, लेकिन अभी तक कोई विभागीय पदाधिकारी इन लोगों को देखने तक नहीं पहुँचे हैं। इस बार पंचायत चुनाव सिंगल पोस्ट ईवीएम मशीन से ही होगा। मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन बनाने में काफ़ी वक्त लगने की वजह से इस बार इस मशीन से मतदान संभव नहीं हो पाएगा। सिंगल मल्टी पोस्टम ईवीएम को लेकर केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच सहमति लगभग बन चुकी है। अब अंतिम रूप देने की जरूरत है। केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों की बैठक में आयोग और ECIL के प्रतिनिधि ने मल्टी पोस्ट ईवीएम उपलब्ध कराने पर असहमति जताई है। दरभंगा में तालाब में डूबने से दो बच्चे की मौत हो गई। बेनीपुर प्रखंड के पोहत्ती गांव के रघु पोखर में नाव पलटने से दो बच्चे की मौत हो गई। वहीं दो बच्चे की इलाज DMCH में चल रहा है। बता दें कि मछली पकड़ने वाली नाव पर एक दर्जन बच्चे चढ़कर तालाब में खेलकूद कर रहे थे। नाव के बीच तालाब के पहुँचते ही नाव पलट गई। सभी बच्चे पानी में डूबने लगे, जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। कुछ बच्चे तैरकर बाहर आए, चार बच्चे डूब गए। भारी मशक्कत के बाद डूबे चारों को बाहर निकाला गया, जिसमें दो की मौत हो गई और दो DMCH में अभी भर्ती हैं। देश भर में इस बार कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। आम से लेकर खास लोगों तक को इस बार अपने चपेट में ले रहे हैं। राज्य भर में 4786 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सबसे अधिक पटना में 1483 कोरोना संक्रमित मिले हैं। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, गृह विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब तक बिहार न्यूज आपसे निवेदन और आग्रह करता है कि कोरोना के प्रति लापरवाह नहीं बरते और पूरी तरह सतर्क रहें। आइए हम एक शख्स से मिलाते हैं जो कोरोना से संक्रमित तो नहीं हैं, लेकिन उनके सिम्टम कुछ मिल रहे हैं। वो आप लोगों को कुछ निवेदन कर रहे हैं, सुनिए इनकी बात। लापरवाहियों का पुतला होता है इंसान, और इंसान उसी की सजा भोगता है। और शायद मैं भी आज, मुझे मालूम नहीं है, मेरी टेस्ट तो हुई नहीं है, लेकिन दो दिन से जो मेरी हालत हुई है, मैंने बाहर जो बिरयानी खाई थी उसके बाद जो मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा है, आज उसका बहुत बुरा फल मिल रहा है मुझे। धीरे धीरे गले में खराश आई, फिर गले में दर्द हुआ, फिर सर में दर्द हुआ, फिर बॉडी में दर्द हुआ, फिर फीवर आया, और अब ठंड लग रही है, खांस रहा हूँ, और आंखें पूरी गर्म हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में दर्द दे रहा है। मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन जो संकेत और जो ये महामारी चल रही है,
भगवान न करे मुझे उसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। आपसे ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ, बाहर का ना खाएं, बाहर ना जाएं, रियल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्टे होम, घर पे रहें। इस बार का कोरोना वाकई में भयानक है। पिछली बार मैंने इतना अनाज बांटा, इतना घूमा, कुछ भी नहीं हुआ। बार बार हाथ धोएं, बिल्कुल होम, घर पे स्टे रहें, दूरी बना के रखें। पैसा जीवन भर पड़ा है कमाने के लिए, अभी अपने और अपने परिवार को देखिए। आप जिंदा रहेंगे तो पैसा कमाएंगे और परिवार को देखेंगे। ऐसा पैसा किस काम का कि आप अपने परिवार को रोता हुआ छोड़ के जा रहे हैं और आपका परिवार आपके पैसों को देख के क्या करेगा। लापरवाहियों का पुतला है इंसान, मैं इस चीज़ को मान गया और मैंने भी लापरवाही की। प्लीज आप मत करिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ध्यान रखिए, अपना घर से मत निकलिए।